हेलो फ्रेंड, माय नेम इज विशाल सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल एडिटर। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप इस तरीके की फोटो एडिट कैसे करें। तो दोस्तों, हम इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हम चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन। तो गाइज, हम आ गए अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको पूरी ट्यूटोरियल बताने के लिए कि आप इस तरीके की फ़ोटो एडिट कैसे करें। तो दोस्तों, आपको सिंपली सबसे पहले करना क्या होगा, अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। मैं अपनी पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ बीच में प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्क्रॉल करना है, जिस फोटो को आपको एडिट करना है, सिंपली इस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों, मैं इस फोटो को एडिट कर रहा हूँ, तो मैंने इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों, अब आपको करना क्या होगा, दोस्तों आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इफेक्ट्स का, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको स्क्रॉल करना है यहाँ, और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर इस फिल्टर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ एक इरेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ इरेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसकी साइज़ को कुछ इतना रखना है, इसकी हार्डनेस को भी थोड़ा कम कर देना है। अब दोस्तों, आपको करना क्या होगा, इसके फेस और हैंड से आपको इसे इरेज कर देना होगा। दोस्तों, मैं आपको पूरी पूरी वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा दोस्तों कि आप इस तरीके की फ़ोटो एडिट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, इस तरीके से इसे इरेज कर देना होगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों ये हमने अच्छी तरह से क्रॉप कर दिया है। अब दोस्तों, आपको करना क्या होगा, दोस्तों आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा राइट का, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ आपको करना क्या होगा, आपको एक और राइट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ दोस्तों, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये ड्रॉ का, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ एक लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट में एम्प्टी लेयर का, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे फोटो प्लस का, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, इसे राइट, इसमें कोने में राइट का बटन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ थ्री डॉट नज़र आ रहे होंगे, सिंपली इन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये वाला, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों, इसे कुछ एडजस्ट कर लेना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, इसे कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है दोस्तों, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ कोने में राइट का बटन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा कलर्स का, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको जैसा कि आपकी बटरफ्लाई के पंखों का कलर है, उस तरीके का कलर आपको चूज़ कर लेना है। तो इस कलर पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, अब आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ राइट का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ फर्स्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एम्प्टी लेयर का, सिंपली इस पर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको फ़ोटो को जूम करना होगा थोड़ा, और इस पर सिंपली ब्रश कर देना होगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ दोस्तों। इस तरीके से आपको कुछ ब्रश कर देना होगा बटरफ्लाई पर, जैसा कि मैं दोस्तों कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से ब्रश कर देना होगा। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ कोने में राइट बटन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों टूल्स का, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ एक एडजस्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको इसे कुछ इस तरीके से आपको दोस्तों यहाँ एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रॉल करना है आपको, ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा जिस पर अभी मैंने क्लिक किया है। इसको पूरा बढ़ा देना है।
इसकी अमाउंट को पूरा बढ़ा देना है दोस्तों। और आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इरेज का, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके फेस एंड हैंड से, आपके फेस एंड हैंड से इसे इरेज कर देना है दोस्तों, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आपको भी इस तरीके से इसे इरेज कर देना है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसे अच्छी तरीके से क्रॉप कर दिया है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ कोने में राइट का बटन दिख रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, आपको एक और राइट का बटन दिख रहा है दोस्तों, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ टूल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ डिस्पर्सन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली इस पर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको कुछ इस तरीके से इससे ब्रश कर देना है दोस्तों, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से इसे ब्रश कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ राइट का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। आगे नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपकी फ़ोटो कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो दोस्तों आपको यहाँ एक राइट का बटन दिख रहा है दोस्तों, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या होगा, आपको स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ड्रॉ का, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सेव इमेज का ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, इस पर क्लिक करके आपकी इमेज HD क्वालिटी में डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।